कोपर गांव में रहने वाली जनता को शेरों से नहीं सुअरों से डर लगने लगा है, जिसकी वजह है कोपर गांव में खुले आम सुअर घूम रहे हैं। ये सुअर कोपर गांव में बड़े पैमाने में पाले जाते हैं। कोपर गांव शहर में सुअर की तादाद कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। ये सुअर सिर्फ नजर ही नहीं आ रहे, बल्कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। अभी तक कोपर गांव शहर के जूनी कचहरी में ये तीसरी बार अपना शिकार बना चुके हैं। कुछ महीने पहले इस मोहल्ले में सुअर ने एक बच्ची के कान को अपना शिकार बनाया था, जिसकी वजह से उस बच्ची को अपना कान खोना पड़ा। यहाँ के लोगों ने कई बार नगर परिषद को इस बारे में जानकारी दी। नगर परिषद के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। इसके बारे में हमको ये बोलना है, ये पाले हुए जानवर है, लेकिन ये जानवर की हमारे मोहल्ले के अंदर ये तीसरी घटना है। पहले बच्चे की घटना ऐसी हो गई कि उसका कान तोड़ के लेके गया, लेकिन कान तोड़ने के बाद हमने म्यूनसिपालिटी के अंदर इसका अर्ज भी किए, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई भी भाई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अभी हमारे घर की दूसरी घटना है कि ये बच्चे को हमारे मोहल्ले के घर ने हमारे घर के सामने खेलता हुआ बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, आज उसको काटा। इसके 15 दिन पहले और एक बच्चे को, ऐसे ये तीसरी घटना है। ये घटना होने के बाद भी हम बार बार म्यूनसिपालिटी को अर्ज करने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। ये पाले हुए जानवर है, लेकिन ये लोग गधे पकड़ने की परमिशन देते, गाया पकड़ने की परमिशन देते, कुत्ते पकड़ने की परमिशन देते, लेकिन ये बच जानवर, ये पाले हुए, ये पकड़ने की परमिशन क्यों नहीं देते? ये हमारा इसके ऊपर पूरा निषेध है, ये करने होना ये लोगों ने। और ये हम विनती करते कि म्यूनसिपालिटी ने ये हमारे बच्चे के तरफ देख के इसके ऊपर ये जानवरों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करके, अगर ये नहीं करे तो हम ये जानवरों को दवा डाल के मार डालेंगे, और इसकी जवाबदारी पूरी म्यूनसिपालिटी के ऊपर है। 24 hours टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।